बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रीश हबीब। सबसे पहले आपको एक अहम अपडेट देंगे सक्खर से, जहाँ पर थाना ए सेक्शन की हदूद केड़थर केनाल के करीब पुलिस और डाकुओं के मबैन पुलिस मुकाबला वाकया हुआ है। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, असलहा भी बरामद कर लिया गया है, जबकि दो डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार डाकू मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से पिस्टल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शनाख्त वाहिद जागीरानी के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकू को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू के क्रिमिनल रिकॉर्ड की मजीद तफसीलात ली जा रही है। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। गोसरा में चोरी की नॉन स्टॉप वारदातें रिकॉर्ड होना शुरू हो गईं, जबकि पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। फुटेज NN24 न्यूज एशिया को मौसूल। तफसीलात के मुताबिक नवा लाहौर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। चोर गली में खड़ा 125 सीसी मोटरसाइकिल ले उड़े। मोटरसाइकिल चुराने की सीसीटीवी फुटेज NN24 न्यूज़ एशिया को मौसूल हो गई। फुटेज में चोर को लॉक हॉल कर मोटरसाइकिल चुराते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों का पुलिस से क्राइम की वारदातें कंट्रोल करने का मुतालबा। गोधरा से खबर शामिल करेंगे, जहां पर थाना सिटी और सदर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्रैकडाउन के दौरान दो मनशियात फरोशों समेत पांच मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 115 लीटर शराब, दो राइफलें, 223 बोर, 3 पिस्टल्स और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुलजिमान में बाबर, शाहिद, जाहिद, वहीद और अजीम शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। कोहाट से अपडेट शामिल करेंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसा के हवाले से एक अहम मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहाड़ के साबिक रीजनल सदर मलिक मोहम्मद इकबाल की रिहाइश का पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कोहाट में 17 मई को होने वाले जलसा के हवाले से मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में जिला भर के अलावा जिला होते सिलाची तहसील गंबट और सब डिवीजन दुरादम खेल के अहदेदारों, यूथ और वर्कर्स ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद 17 मई को कोहाट में जलसा की कामयाबी और जगह की तयन के हवाले से मुकर्ररीन ने अपनी अपनी तजावीज पेश की। इस मौका पर मलिक मोहम्मद इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि कोहाट में हम ऐसा जलसा करवाने जा रहे हैं कि मुखालफीन की नींदे हराम हो जाएंगी, एक तारीखी जलसा होगा। मजीद कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय जरूर है, लेकिन अपने कायद इमरान खान की आवाज़ पर एक ही लबाइक होगा। इजलास से दीगर मुकर्ररीन ने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया। और मंडी बहादुर से आपको अपडेट देंगे, जहाँ पर गंदम की बाकियात को आग लगाई गई और आग की लपेट में आकर करीबी डेरे का घरेलू सामान और 6 मवेशी जलकर राख हो गए। मुतासरीन का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राणा खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, बताइएगा। मंडी बहादुर मलकवाल में थाना गोजरा का इलाका अली डफर में गंदम की बाकियात को लगाई गई आग, जो मलका अशरफ नामी किसान के डेरा तक फैल गई और वहां मौजूद मवेशी और सामान को भी अपने लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में 5 बकरे, 1 कुत्ता और घर के सहन में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। मकामी लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मुतासरा शख्स ने थाना गोजरा में दरख्वास्त दी कि इसके जानवरों को जानबूझकर हलाक किया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नामजद और 1 नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ राणा खुरम शहजाद, NN24 न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।